मिसेस सूर्यवंशी, आखिरी बार आप ये अंगूठी के कब देख ले रानी? पूजा शुरू होने से पहले हम अपने कमरा में आयल रानी, हमके कुछ काम रहा, लेकिन तब जब हम अंगूठी देखनी तो हमके अंगूठी ना लागल जब हमके विक्रांत जी दिहले रहले, कुछ बदलन लागत रहे वो अंगूठी। ऐसा लागत रहे जैसे कि वो बदल देले होके। आपके कहे के मतलब बा कि आपके पति आपके जौन अंगूठी देले रहलन जेकरा के आप कबड में रख ले रानी, केहू अंगूठी के चुरा लेलस और ओकरा जगह पे दूसरा अंगूठी रख देलस, ये कहे के चाहत नहीं ना? मम्मा के आवे में देर हो गई ना, सॉरी। अभी इट्स ओके मम्मा, आप अपने इंग्लिश के होमवर्क कह दी? हाँ मम्मा, हम कह नी। गुड बॉय। देखो अभी नानी से इसे लड़न ना चला, देखो खाए में कितना देर हो गई ना, खाना। मम्मा आपके हाथ से खाए के रहे। विक्रांत, फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट्स आ गई बा, इंस्पेक्टर सबके बाहर बुले ले बा। अभी बेटा मम्मा के अभी जाए की बा, मम्मा 10 मिनट्स में आ जाए, ठीक बा? प्लीज मम्मा आप कहीं मत जाए ना, प्लीज मम्मा। खेल बहुत जरूरी बा। ना मम्मा आप कहीं मत जाए। काका अभी के खाना खिला दी। मम्मा प्लीज मत जाए, मम्मा प्लीज मत जाए, मम्मा प्लीज मत जाए ना, मम्मा प्लीज मत जाए ना। हमने यही पता लगा ले लेवानी कि असली मुजरिम के बा। सारा सबूत एक ही शख्स की तरफ इशारा करा था। पहली मत बुझावा इंस्पेक्टर, नाम बतावा। मिसेस सरिता सूर्यवंशी। कब बकवास है, हम सरिता जी के अच्छा तरीके से जाना तनी वैसन कबो नहीं की कर सकत। और आके कोनो गलतफहमी भइल बा, सरिता और खून हो ही ना सकेला। आप अभियो कुछ ना कहब का? आपके लगातार सरिता जी मर्डर के लिए बड़ी, ये लोग बिना कोनो सबूत के सरिता जी पे इल्जाम लगाओ चाहता और आप चुपचाप खड़ा बनी, आप कुछ कहत काहे नहीं की? आप जाना तनी सरिता जी के वैसन कबो नहीं की कर सका। विक्रांत, सर अरेस्ट वारंट आ गई बा। अरेस्ट वारंट?
कोना बिना पे लेके आयल बने अरेस्ट वारंट ना आप अभी तक खून के मकसद साबित करे बने ना आपके पास कोनो सॉलिड प्रूफ बा सिर्फ शक के बिना पर हम आपके सरिता जी के गिरफ्तार करे देब ना आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सके नहीं सरिता के आपके सबूत चाहिए ना करवा चौथ के दिन जो खीर बनल रहे अपन हाथ से परोसले रहले सिर्फ मिसेस सूर्यवंशी ये आप इतना दावा से कैसे कह सकते कि इहे परोसले रहली ऐसे कह सकत नहीं कि ओबरा उचा केहू ना रहे और ये साबित होता कि खीर में जे हीरा डालल तो डल्ली सिर्फ मिसेस सूर्यवंशी और उकर सबूत पाई फिंगरप्रिंट बोर्ड अरेस्ट आप ऐसे कैसे ले जा सके सरिता के ये गलत बा कानून के मामले में दखलंदाजी मत करी बाबी पुलिस के अपन काम करेंगी भैया जयखर एक मिनट बाबी विक्रांत जी हमारी बात सुनी एक मिनट हमारी बात न सुनी विक्रांत जी हमारी बात सुनी ना एक मिनट हमके बात करे दी एक मिनट बात करे वे दी विक्रांत जी आप तो जाने नहीं आप चुप कहे बोली लेके जा विक्रांत जी बोली ना विक्रांत जी रुक जाइए आपसे विनती करते हैं प्लीज हमके अपना बेटा से एक बार मिलने भी दी एक आखिरी बार हमके अपने बेटे से मिलने भी दी एक आखिरी बार हम अपना बेटा से मिलना चाहता नहीं आप लोग एक माँ की भावना के समझ सके नहीं ना ना बेटा मम्मा संजय अंकल हमरा के बोलत रहनी आप कहीं जाए वाला बड़ू मम्मा प्लीज आप हमरा के छोड़ के मत जाए ना प्लीज मम्मा हम आपके कब्बो तंग ना करब और आपके सब बात मानब मम्मा आप रहलू तो डैडी हमेशा खुश रहनी और गुस्सा भी ना करेनी आप प्लीज कहीं मत जाए अगर आप ना हो कब तो फिर डैडी और हमार ख्याल की रखिए अभी बेटा मम्मी के कुछ काम से दूर जाए के पड़ता पर आप पीछे से बिग बॉय बन के रहिया और मम्मी के गुद्दी हलकाम जरूर करिया नहीं तो मम्मा जहां जा रहल भी है ना वही जा बहुत परेशान रही बोला अभी कर बना मम्मा का काम जब हम ऐसा ना रहब ना तो आप अपने डैडी के ख्याल रखो जब भी दुखी होखिया ना
आप उनके हसाई और उनके कब गुस्सा मत होके दिया। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए, ठीक बा? करबो नहीं? हाँ मम्मा, हम जरूर करब। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू अभी। अब मम्मा की जाएगी बा। आपन दियल गेल प्रॉमिस जरूर पूरा करियो। ओके मम्मा। काका जी मालकिन, अभी और विक्रांत जी के ध्यान रखिए। भगवान सब ठीक करी मालकिन। सोचा अभी विक्रांत जी के बिना ना जी सके नहीं, हमके उनसे अलग मत करी। सरिता जी, हम जाना था नहीं कि आप बेकसूर बने। हम भी अपन लॉयर के कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द आप बाहर हो गए, आप चिंता मत करें। सरिता कुछ ना हुई, सब कुछ ठीक हो जाए और तू जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाएगी। भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत करी, भाभी भाभी सब ठीक हो जाए, आप फिक्र मत करी भाभी। भाभी शीला, खुश बनी आप? ले गए पुलिस सरिता जी के, और आप कुछ ना कहीं नहीं कहे विक्रांत? यकीन ना हो खेला विक्रांत, जॉन सरिता आप पे आपके परिवार खातिर इतना कुछ कह ली, आज जब ओकरा आपकी जरूरत बा आप ओकर साथ तक ना देनी, आप चुपचाप खड़ा रहनी जैसे आप ओकरा जानत तक नहीं की। हमरा तो लागल रहे कि आप सरिता से प्यार करें नहीं, ओकरा बचावे के हर मुमकिन कोशिश करा, कितना गलत रहनी हम। हाँ दिव्या, हमने कही गलत रहनी,
जॉनी आदमी से सरिता जी के पुनर्विवाह करवा बैठनी। ओकर प्यार ओकर ममता के कोना अहमियत नहीं क्या आपके विक्रांत? हमरा क्या प्यार और फर्ज के पाठ पढ़ा होता नीना? और आज कब है काबल काय शर्मिंदा कर देने हर रिश्ता क्या जा? का हो गल बा विक्रांत के? कौनो भी इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकेला? एक और सरिता जे जात जात भी अभिमान के बारे में सोचत रही, और एक और विक्रांत जेकर दिल एक बार भी ना पसी जल सरिता का। हमरे ही गलती पा दिल दिया, हमरा वजह से सरिता जी के जिंदगी में ये विक्रांत आए। हम एक बार ना सोच ले रहनी की राज, प्लीज तो ऐसा मत सोचा। हमने के पे यह लागल रहेगा कि विक्रांत सरिता से बहुत प्यार करे ले, ओकरा हमेशा खुश रखी है। हमनी गलत रहनी, हमनी से गलती हो गई विक्रांत के पहचाने में। काहे खुद के हमसे इतना दूर कर दिए नहीं आओ? काबिल डैडी आप ठीक बानी? डैडी आज आप ऑफिस ना गए नी? अभी अपन कमरा में चल जा,
ना, हम आपके अकेला छोड़ के ना जा सकब। हम मम्मा से प्रॉमिस करनी हो कि हम आपके हमेशा खुश रखब। डैडी, आप चिंता मत करी, सब कुछ ठीक हो जाए। तू यहाँ ना होकर भी यहाँ बसल बाड़ू सरिता, तुम्हार याद इतना काहे सतावता। आपसे क्यों मिले आयल बा? विक्रांत जी, चली तू हमसे रहा लेन अगल, यही से हम तो से मिले चलिए नहीं। हम तो से नफरत करे नहीं, लेकिन हम ईमाने नहीं कि तू काजल के खून ना कर सके लो। इतना तो हम आपके समझ गई बनी और जाने नहीं, आप ऐसा हमसे हम दर्द जतावे नहीं किए। बोली का काम पवन जी, सही कहलो, हम अपने जीत के जश्न मनावे आयल बनी यही जा। देखल चाहता नहीं हम तोरा के ऐसे, देखा ना अब जोन भी भाई अच्छा ही भाई, तीर के हो भी चले लिए होके, लेकिन लागल बिल्कुल निशाना पर। एक तरफ का जन जन आज तक हमके पोता ना दे पाए, वो हमरे रास्ता से निकल गए, और दूसरी तरफ तू हमार सरिता बहुरानी यही जा खड़ा बड़ो। एकर मतलब यही कि विक्रांत के जिंदगी से तुहार पत्ता हमेशा खातिर कट। तू एक जेल में सड़बो और सोचा हम बाहर का करो, हम रोहन के शादी करवाई शीला के साथ। और बस हमके हमार वारिश मिल जाए, हम आपकी हर किस ना करे। अच्छा तू रुकबू हमरा के, हाँ रुका रुक ल सरिता। अरे होश में आवा, देखा कहाँ खड़ा बाड़ू तू जेल में, और तारा के पता बा काल तुहरे केस के सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। बस फिर तो सड़िया है जेल में, सजा मिले के बाद कैसे रोक पे वो हमके। ऑल द बेस्ट।
विक्रांत, हमनी के बस तुहार प्रॉब्लम का बा पता बा राज। तू जकरे भी जिंदगी में कदम रखेला ओकर जिंदगी बर्बाद करते वेला खुद का तक घर बसा लेला, लेकिन हमार घर उजाड़ देले बड़ा तू। अब हमरा से जितना दूर रहा उतना ही तोरे खातिर ठीक होई। विक्रांत, तू ये सब कैसे बात करा तारा? हाँ माना तने कि हम ताहर और सरिता जी के बीच में आवे के कोशिश कले रहनी। हाँ माना तने तू हमरा से नफरत करेला जायज बा, लेकिन एक बार सरिता जी के बचा लेवे के ओकरा बाद हम ताहर जिंदगी से दूर चल जाए। आई प्रॉमिस। अभी सब बात के कोनो फायदा नहीं के। विक्रांत हमारे बात सुना प्लीज, हमने के सरिता जी के बचा सका था नहीं। अब भी सरिता जी छोड़ दो उनकर पीछा। विक्रांत तारा हमार बात सुने क्या हुई? हमार कैला के सजा सरिता जी का मत ना विक्रांत। बस करो। अरे चुप। राज, ये का करत आनी आप दोनों? ये कोनो लड़े के जगह नहीं खे। केस के सुनवाई स्टार्ट होके वाला बा, चला यहाँ से। राज प्लीज, तारा हमार कसम, चला। वंदना जी, आपके का लगा था कि मिसेज सरिता सूर्यवंशी आपके बहु काजल के खून कैले बड़ी? जी वकील साहब। लेकिन वंदना जी, ई बताई कि इनकर खून करे के मकसद का रहल? ई हम नहीं घी जानत, लेकिन इतना जरूर जाने नी कि जब हमार दामाद विक्रांत सूर्यवंशी ई चाहले कि उस सरिता के साथ पुनर्विवाह करे, तो हम पूरा दिल से एक अपने अपने बेटी के जगह देनी, लेकिन ई हमने के ना अपने लस, कब अपन परिवार मल्लस ही ना हमने के। एक खातिर तो एक पहला पति राज जी और अकर परिवार ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और खास करके शीला खातिर कुछ भी कर सकेले। हम तो बस इतना ही कहल चाहते नहीं कि सरिता विक्रांत जी के कबो अपन पति मल्लस ही ना। बस अपन पहला पति राज जी और उनकर परिवार खातिर हमरे काजल के खून कर दियलस। आप ही केस से बाहर जाता नहीं, आपके व्यक्तिगत सोच के ही कैसे कोनो लेहल देहल नहीं खे। आपके इस केस के सिलसिला में कुछ और कहे के बा? जी ना। आप जा सकत नहीं। माय लॉर्ड, अब हम सरिता सूर्यवंशी के पति विक्रांत सूर्यवंशी के यहाँ बुलावे के इजाजत चाहता नहीं। इजाजत? जो कहब सच कहब, सच के सिवा कुछ न कहब। मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी, आपके सरिता सूर्यवंशी के साथ पुनर्विवाह भइल बा? जी हाँ। और उनकर पहला पति बाड़े हैं मिस्टर राज जगोटिया, जिनकरा साथ अभी कोर्ट के बाहर आपके बहस भइल रहल और बात मारपीट तक पहुंच गइल रहल। ई का भाई बोली का हम सही कहता नहीं मिस्टर विक्रम? जी हाँ। वंदना जी, जो आपके पहले पत्नी के माँ बड़ी और आपके घर में ही रहेली,
उ कहत बड़ी कि सरिता जी के आपन पहला पति के परिवार से बहुत ज्यादा लगाव बा। का ई सच बा कि आपके पत्नी अभी भी आपन पहला पति और ओकर परिवार के ज्यादा फिक्र करेले? देखी मिस्टर सूर्यवंशी, आप कोर्ट के टाइम बर्बाद मत करी। सच बा। सूर्यवंशी जी, ई लगाओ के कुछ खास वजह? मतलब का ई हो सकेला कि अभी भी आपके पत्नी के आपन पहला पति के राज जकोटिया के साथ संबंध होखे? मतलब उनके राज जकोटिया के साथ रहल आपसे ज्यादा अच्छा लगेला? औरतों के कुछ कहल ना जा सकेला? माय लॉर्ड, बकवास करत आई। सबूत नहीं कहते का कुछ भी बोला आप? दिमाग खराब बा का? अरे राज बेटा, क्या बकवास करत आई? आप कोर्ट के तोहिन करत नहीं, प्लीज बैठ जाइए। अगर वकील साहब औरतन के तौहीन करल बंद करे और ई केस से जुड़ल ही सवाल करे तो हम इनकर सवाल के जवाब देवे खातिर तैयार बानी। प्रोसिक्यूशन के वकील ए तरह के टिप्पणी नहीं कर सका, सिर्फ जरूरी सवाल ही पूछल जाओ। जी माय लॉर्ड। मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी, का आपके लगा था कि आपके पत्नी अपन पहला पति के बहन शीला खातिर काजल के खून कर सकेले? का आप माना था नहीं कि कत्ल मिसेस सूर्यवंशी ही कहिए बड़ी? एकरे खातिर तो एकर पहला पति राज जी और अकर परिवार ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सरिता जी के अपन पहला पति के परिवार से बहुत ज्यादा लगाव बा कि सरिता विक्रांत जी के कबो अपन पति मल्लस ही ना? हाँ। मिसेस सरिता सूर्यवंशी, आप अपन पति के बयान सुन ले बानी ना? अगर आप अभियो आपन जुर्म के इकबाल कर ली तो ये अदालत सजा सुनाते समय आपके बयान के ध्यान रखी। अगर हमारे पति माने ले कि हम मुजरिम हैं तो हम कबूल करते नहीं कि काजल के खून हम ही कहीं नहीं हैं। अगर हमरे पति की ई लागेला कि हम उनके या उनके परिवार के पति अपन जिम्मेदारी ना निभावनी हा तो हम कड़ा से कड़ा सजा के हकदार हैं। जौन भी विक्रांत जी कहले सब सच है। कहें कि हमके खुद से ज्यादा अपने पति विक्रांत जी पर भरोसा बा। सरिता जी, आप ऐसा काहे कर रहे हो? जैसा भी गलत बा। अरे क्यों? प्लीज बैठ जाइए। तमाम गवाह और सबूत के मद्देनजर रखा यह अदालत कत्ल के इल्जाम में आईपीसी के धारा 302 के तहत सरिता सूर्यवंशी के मुजरिम करार दे दिया। और उम्र कैद के सजा सुना दिया।
सब इस दिल की ही तो मुश्किल है, ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल। भाभी 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 हमरा के माफ कर दी भाभी, ना हम रोहन से बदला लेवे के सोचती और ना ही सब कुछ होके, प्लीज भाभी हमरा के माफ कर दी। पागल बद बना शीला, जन होके के रहसन हो गए, तू बस अपन ख्याल रखिया और केहू और के जाल में मत चली। प्लीज रुकी मत भाभी, है रुकी आप ना जा सके नहीं आगे। भाभी भाभी कौन जाल के बात कर अलबानी, अगर हमारे पति मान ही ले कि हम मुजरिम हैं तो हम कबूल करते नहीं कि काजल के खून हम ही कहीं नहीं हैं, क्या कि हमके खुद से ज्यादा अपने पति विक्रांत जी पर भरोसा बा। जॉन कहनी बिल्कुल ठीक कहनी विक्रांत, जॉन औरत रिश्ता के कमजोर धागा के अपन जान से ज्यादा संभाल के रख ले होगी, वो सजा की ही हकदार बाड़ी। आपसे शादी होके के बाद सरिता राज के परिवार के कितना प्यार से संभाल ली, हमारे ख्याल से उकरा टुकरा देवे के चाहिए अपन हर रिश्ता के, जैसे अभी अभी आप कहनी। रहल बात राज और सरिता के रिश्ता के, तो अगर पवित्रता आपका समझब, आप एगो मर्द बानी, आपकी एगो औरत के आत्मा के गहराई से उनकर मन की सच्चाई से का लेना देना बा। आप सिर्फ दूसरन के चोट पहुंचावे जाने नहीं का चोट पहुंचे ले बानी आप विक्रांत, चोट पहुंचे ले बानी। जॉन औरत आप पे सबसे ज्यादा भरोसा कैली, आप होकर भरोसा तोड़ दे ले बानी। की हुए सरिता बाड़ी जे आपसे शादी करके आपके वो घर के मंदिर बना देली, आपके अभिमान के एगो माँ के प्यार देली ओकरा के अपनाई ली, हमारा राज के घर बसा देली, शीला की जिंदगी बर्बाद होके से बचेली। एक बात ना समझ आवता, सरिता इतना सारा रिश्ता के कैसे निभा सकेली, हम एगो औरत बानी और हम ही ना समझ सकेगी। लेकिन जौन दिन आपके ही पता चली कि सरिता बेगुनाह बारी, ओ दिन बहुत देर हो चुकल होई,